हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एक स्पेशल टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम हो सकता है आपने पहले कभी सुना हो सकता है पहले आपने ना सुना हो। उस टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है ए, और वो मुंबई में रहता है और उसका अपना एक बिजनेस है। अब बिजनेस में आपको मालूम है कि बिजनेस या तो ट्रेड हो सकता है, ट्रेड का मतलब है कि गुड्स को खरीदना और बेचना, या मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, या मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि रॉ मटेरियल हम लाए, उसके बाद हमने प्रोसेस में उस प्रोडक्ट को लगाया, प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ और वो बिक गया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। कोई सा भी बिजनेस इसमें ले सकते हैं। सपोज हम मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं, आप कोई गुड्स बनाते हैं और गुड्स बनाने की जो आपकी कैपेसिटी है वो है 100 पीसेस की। आप 100 यूनिट्स डेली बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी बिक्री है डेली की, जो सेल्स है, सेल्स वो है 40 पीसेस की, 40 यूनिट्स। आपने पूरा जोर लगा लिया लेकिन सेल इससे ज्यादा नहीं बढ़ रही क्योंकि आपने अपनी मार्केट आपने पूरी कैप्चर कर रखी है। अब आप चाहते हो कि जो मेरा स्टेमिना है, जो मैं बना सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, वो 100 पीसेस की है। ये मेरी क्या है? कैपेसिटी है, कैपेसिटी है। लो मैं साफ साफ ले देता हूँ। ये मेरी क्या है? कैपेसिटी, यानी कि मेरा स्टेमिना है, जितना मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता हूं अपने नॉर्मल कंडीशन में, ये मेरी कैपेसिटी, मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी इन द प्रेजेंट कंडीशन, ये मेरी है। मैं चाहता हूं कि मैं 100 के 100 पीस बनाऊं और वो 100 के 100 बिकने चाहिए। तो मैंने क्या किया, डेली में एक पर्सन है बी, मैंने उससे कांटेक्ट किया। मैंने उससे क्या किया? कांटेक्ट किया बेटा बी से कि भाई मैं आपको गुड्स भेजूंगा, मैं आपको गुड्स बेचूंगा नहीं कहा मैंने, भेजूंगा यानी कि सेंड। ए ने बी को गुड्स भेजने के लिए बोला है कि मैं आपको गुड्स भेजूंगा और आप उसे वहां पर बेचो। मैं बी के पास भेजूंगा, बी उसको सेल करेगा। किसके लिए सेल करेगा? मेरे लिए सेल करेगा बी, ठीक है, और बी को उसके बदले मिलेगा कमीशन, ठीक है। तो ए और बी में जो ये रिलेशनशिप हुई, उस रिलेशनशिप के हिसाब से बी हमारा क्या हुआ बेटा? बी हमारा हुआ एजेंट, बी हमारा एजेंट हुआ बेटा। इस केस में ए को हम क्या बोलते हैं? ए को हम बोलते हैं प्रिंसिपल और बी हमारा होता है एजेंट, ठीक है। बी एग्री हो गया इस बात से, ए ने बी को कुछ भेजा, बी ने उसको बेचा और कमीशन ले लिया। बी सेल गुड्स फॉर कमीशन, ऐसा होता है, आपने सुना है कभी? हाँ, ये तो नॉर्मल बात है सर, ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं, जगह जगह पर डीलर्स हैं जो कंपनी के लिए गुड्स बेचते हैं। यस यू आर राइट। तो ए और बी, इन दोनों की जो ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को एक नाम दिया जाता है बेटा,
कंसाइनमेंट। ए और बी की इस रिलेशनशिप को बोला जाता है बेटा कंसाइनमेंट, और यही हमारा आज का टॉपिक है। हम आज अकाउंटिंग सीखेंगे कि कंसाइनमेंट में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। उसके लिए बेटा मैं आपको एग्जांपल देके चलूंगा, एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आता है। एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लिखेंगे बेटा, नोटबुक खोल लो, नोटबुक खोलो बेटा। एग्जांपल, ए ऑफ मुंबई सेंड्स गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली। ए मुंबई का है और उसने दिल्ली वाले बी को गुड्स भेजा ऑन कंसाइनमेंट। अगर मैंने लिख दिया ऑन कंसाइनमेंट तो इसका मतलब रिलेशनशिप इज क्लियर। गुड्स कितने का है? वैल्यूड एट रुपीज 50,000। वो गुड्स था 50,000 रुपए का बेटा। अब आप एक बात बताओ, मैं एग्जांपल जो दे रहा हूं इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसी से हम रूल सीखेंगे बेटा। जो स्टार्टिंग प्राइमरी आपका क्वेश्चन होगा वो इसी से बनाऊंगा, और आपको धीरे धीरे कंडीशंस भी समझाऊंगा कि किस किस चीज की हम अकाउंटिंग करेंगे और क्यों करेंगे। जब ए ने बी को गुड्स भेजा तो क्या वो डायरेक्टली भेज देगा कि भाई यहां से फेंक दिया और दिल्ली में उसकी दुकान में गिर गया, या कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यूज करेंगे? सर ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे। वेरी गुड, यू आर राइट। ट्रांसपोर्टेशन, सपोज ट्रेन से गुड्स गया, ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन रूट। तो मैं यहां पर रेलवे स्टेशन लिख रहा हूं, ये बन गया आपका रेलवे स्टेशन ऑफ दिल्ली। ए ने ट्रेन के थ्रू गुड्स भेजा और वो पहुंच गया रेलवे स्टेशन ऑफ दिल्ली, और बी वहां से गया या जो भी है गुड्स वहां तक ले आया अपने गोडाउन तक, यानी कि ए ऑफ मुंबई एंड बी ऑफ दिल्ली ट्रेन के जरिए गुड्स बी के पास पहुंच गया। इसमें खर्चा होगा या फ्री सर्विस चल रही है? सर खर्चा होगा, यस, इसमें फ्रेट लगेगा। इसमें लगेगा भाड़ा, भाड़ा लगेगा बेटा, फ्रेट। रास्ते का इंश्योरेंस भी हो सकता है, ट्रैवल ट्रांजिट इंश्योरेंस बोलते हैं इसको, मतलब भेजने का खर्चा। किसने पे किया होगा? सर ए ने पे किया होगा, बिल्कुल सही बात है। अब दिल्ली स्टेशन तक गुड्स आ गया, अब बी की जिम्मेदारी बनती है, नॉर्मली, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन मैं एक नॉर्मल केस ले रहा हूं, कि बी की जिम्मेदारी बनती है कि वो दिल्ली स्टेशन से गुड्स अपने यहां मंगाएगा, और अभी दिल्ली में गोडाउन तक गुड्स नहीं पहुंचा, दिल्ली में स्टेशन तक गुड्स पहुंचा है। अब यहां से स्टेशन से गोडाउन तक लाने के लिए बी भी खर्चा करेगा, वो कैरेज, कार्टेज, ढुलाई वगैरह, जो मजदूर ढो के लेके जाएंगे, रेड़े पर लेके जाएंगे या गाड़ी में लेकर जाएंगे बेटा, उसके गोडाउन तक, उसकी शॉप तक, उसकी फैक्ट्री तक गुड्स आएगा, तो उसके लिए भी खर्चा कर रहा है, ठीक है। खर्चा, खर्चे को मतलब क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में बेटा? एक्सपेंसेस। तो मैं इनके कुछ नाम रख देता हूं। इस खर्चे को हम बोल देते हैं ई वन,
पहली स्टेज कि कंसाइनर जो प्रिंसिपल है, जो भेजने वाला है, उसने गुड्स भेजने में जो खर्चा किया होगा वो E1 हो गया बेटा, E1 जो प्रिंसिपल ने खर्चा किया। इस खर्चे का नाम मैं रख देता हूं बेटा E2। फॉर एन एग्जांपल E2, ये खर्चा किसने किया? कंसाइनी, इसे हम कंसाइनी बोलते हैं, अभी बात बताऊंगा। जो एजेंट है, एजेंट अपनी दुकान तक लाने के लिए, अपने गोडाउन तक गुड्स को लाने के लिए जो खर्चा किया गया वो E2 हो गया, ठीक है। अब गुड्स गोडाउन में आ गया, अब ऐसे तो गुड्स बिकेगा नहीं, गोडाउन में गुड्स आ गया तो सबको खुशबू आ गई, हाँ भाई बी के पास गुड्स आ गया। अब बी क्या करेगा? बी क्या करेगा? बी करेगा, एडवर्टाइजमेंट एसेट्रा, यानी के एसेट्रा में भी वो सारे खर्चे आ गए जो गुड्स को बेचने के लिए, रखने के लिए, गोडाउन में मेंटेन करने के लिए, मेंटेन मतलब गोडाउन में सेफ रखने के लिए जरूरी है, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, होल्डिंग एक्सपेंसेस, गोडाउन में आने के बाद के खर्चे जितने भी होंगे वो बी पे कर रहा है, और उन खर्चों का नाम मैंने रख दिया बेटा E3। खर्चा नंबर 1, खर्चा नंबर 2 और खर्चा नंबर 3, तीन खर्चे हो गए। पे चाहे कोई भी करे, मुझे एक बात बताओ, ये जो बिजनेस हो रहा है, जो बी गुड्स बेच रहा है, वो किसके बिहाफ पर बेच रहा है, किसके लिए बेच रहा है? अपने कमीशन के लिए बेच रहा है, लेकिन गुड्स किसका है? ए का है। तो बेसिकली वो ए के बिहाफ पर गुड्स को सेल कर रहा है, सेलिंग ए की हो रही है। तो नॉर्मल डीलिंग में अगर कोई और एग्रीमेंट नहीं होता तो सारे के सारे खर्चे, ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं, इसके अलावा कोई और बात मिलेगी आपको क्वेश्चन में, यही मिलेगा हर क्वेश्चन में, कि खर्चा चाहे पे कोई भी करे, चाहे ए पे करे चाहे बी पे करे, लेकिन सहन उसको जो बेयर करेगा वो ए ही बेयर करेगा, यानी कि प्रिंसिपल कंसाइनर, गुड्स को भेजने वाला, जिसका गुड्स बेचा जा रहा है, सारे के सारे एक्सपेंसेस को वो ही बेयर करता है, चाहे पे कोई भी करे, ठीक है। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उसी के लिए गुड्स बेचा जा रहा है, तो सारे खर्चे जो भी होंगे बेयर वही करेगा। अगर वो पे कर रहा है भी तो उसको उसका क्रेडिट मिलेगा, उसको बेनिफिट उसका मिलेगा बाद में। ये हो गया जी एक्सपेंसेस का खेल जो मैंने आपको बताया, ठीक। हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, 1000 रुपीज यहां पर खर्च हो गए, 400 रुपीज यहां पर खर्च हो गए और 300 रुपीज यहां पर खर्च हो गए। E1, E2, E3, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि E1 कौन सा है, E2, E3, A2 कौन सा है और E3 कौन सा है। बेटा E1 जो A ने किया गुड्स को भेजने के लिए, E2 जो एजेंट ने किया, एजेंट ने किया गुड्स को अपने गोडाउन तक या अपनी फैक्ट्री तक या अपनी शॉप तक लाने के लिए। यानी कि E1 और E2 दो ऐसे खर्चे हैं जो रास्ते के हैं, गुड्स अभी तक गोडाउन में पहुंचा नहीं है, ठीक। और E3 वो खर्चा है जो गोडाउन में आने के बाद एजेंट करता है गुड्स को बेचने के लिए, ठीक। और गुड्स आ गया तो उसके बाद के खर्चे, उसके रखवाली का खर्चा, उसके लुक आफ्टर का खर्चा, वो सब चीजें। तो ये तीन तरह के खर्चे हो गए। अब उसके बाद एक केस आता है, बी सोल्ड द गुड्स, बल्कि मैं तो ये लिखूंगा, अभी सबसे सिंपल केस बनाता हूं, सबसे सिंपल, बी सोल्ड द होल गुड्स, बी ने सारा गुड्स बेच दिया 4 रुपीज 60,000, बी ने सारा गुड्स बेच दिया 60,000 रुपीज का। और अभी तक हमने ये जिक्र नहीं किया, अभी हमने ये बताया नहीं
कि बी का कमीशन कितना होता है, ये भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, फिक्स होते हैं हर चीज। तो क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं, इसी सेंटेंस को मैं कंटिन्यू करता हूं, बी सोल्ड द होल गुड्स फॉर रुपीज 60,000 एट कमीशन ऑफ 5%, 5% के कमीशन पर गुड्स को उसने बेच दिया। तो मैंने ऊपर वाले एग्जांपल, ये एग्जांपल क्वेश्चन का है, एग्जांपल सॉल्यूशन का नहीं है, ये एग्जांपल क्वेश्चन का है। कुछ बातें मुझे बतानी थी, मैंने बताई एक्सपेंसेस के बारे में, क्योंकि आगे काम आएंगी। मैं मोस्टली वही बातें डिस्कस करूंगा डिटेल में जो आगे काम आनी है, ठीक है ना, फालतू बातें हम करेंगे नहीं। तो जी बी ने गुड्स बेच दिया, आप एग्जांपल लिख लीजिए, आई होप आपने एग्जांपल लिख लिया होगा, लिख लिया है, लिख लो बेटा फटाफट लिख लो, लिख लिया। चलो अब इसको हम कैसे करेंगे, आप कहोगे सर खर्चा भी हुआ, फ्रेट भी हुआ, कैरिज भी हुआ, एडवर्टाइजमेंट भी हुआ, तो हम सबके अकाउंट मेंटेन नहीं करते, क्योंकि कंसाइनमेंट के लिए स्पेशल रिकॉर्डिंग होती है, माइक्रो रिकॉर्डिंग होती है, या मैं कहूंगा कि कंसाइनमेंट की डीलिंग के लिए अलग से बहुत सिंपल प्रोसीजर बना दिया गया कि हर चीज के लिए आप सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी। ये है स्पेशल पर्पज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होगी अकाउंटिंग इज डन इन द बुक्स ऑफ, जो प्रिंसिपल होता है उसको हम कंसाइनर भी बोलते हैं, गुड्स को भेजने वाला, जो प्रिंसिपल होता है उसको हम कंसाइनर भी बोलते हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, दोनों की बुक्स में एंट्री होती है। कंसाइनी कौन, एजेंट, जिसको कुछ भेजा गया। कंसाइन मतलब होता है भेजना, प्रेषण करना, कुछ सेंड करना फॉर सेलिंग पर्पस। तो कंसाइनी जिसको कुछ मिला है, और कंसाइनर जिसने कुछ भेजा है, ठीक है। ये हो गया एजेंट और ये हो गया प्रिंसिपल, दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग होती है। लेकिन मैं आज आपसे बात करूंगा, आज आपसे बात करूंगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कि कंसाइनर की बुक में अकाउंटिंग कैसे होती है। हाँ जी, कंसाइनर की बुक में, चलो सबसे पहले हम सीखते हैं जो सबसे मेन अकाउंट है, जो सबसे ज्यादा बनाया जाएगा, लगभग हर क्वेश्चन में बनेगा, उस अकाउंट का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब अकाउंट है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर दो साइड होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपने, हो सकता है कि ऊपर वाला फॉर्मेट, ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसका जो क्वेश्चन है वो आपने लिख लिया हो। मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग का प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि कंसाइनमेंट अकाउंट भी अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट या लॉस बताता है कि पर्टिकुलर कंसाइनमेंट से या पर्टिकुलर एजेंट से कंसाइनर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट से। तो उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए अलग से अकाउंट बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट, बल्कि इसका मैं पूरा नाम आपको बताता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करता तो इसका नाम होता कंसाइनमेंट टू डेली अकाउंट,
ये कंप्लीट नाम होता। जैसे कि मैंने बताया कि ये भी हमें प्रॉफिट या लॉस बताता है, तो इट मींस ये अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फैमिली का ही एक अकाउंट हुआ। तो अगर उस फैमिली का कोई अकाउंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग उसी तरीके से होगी जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में होती है। इट मींस डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में टू करके जो भी हम चीज़ें लिखेंगे बेटा, वो सब होंगे खर्चे, इनके जो जो चीज़ें हमने लगा दी हैं। सबसे पहले हमने कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स बेचा है, ऊपर क्वेश्चन एक बार मैं वाच कर लेता हूँ बेटा। हाँ बेटा, ये रहा गुड्स। ए ऑफ मुंबई ने गुड्स भेजा है बी ऑफ दिल्ली को, कितने का? 50,000 का। ठीक है, चलो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। पचास हजार यहां पर रिकॉर्ड होंगे बेटा, लिखा जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000 हमारे 50,000 पे लग गए इस कंसाइनमेंट में। डेबिट साइड में कुछ और जो लिखा जाएगा वो सब होंगे खर्चे, जिन खर्चों को कंसाइनर खुद करेगा, जिन खर्चों को कंसाइनर खुद करेगा उसके लिए वो लिखेगा टू बैंक, क्योंकि उसके हाथ में तो पैसा जा रहा है। इन शॉर्ट मैं बोलूंगा कि E1, अगर आपको याद हो तो जितने भी E1 होंगे उनके लिए लिखा जाएगा टू बैंक, क्योंकि ये सब हैं कौन से खर्चे? कंसाइनर्स एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस मेड बाय कंसाइनर, कितने थे? आपकी कॉपी में लिखा है बेटा, मैं भी देख लेता हूं। 1000 ये थे 1000 रुपए के खर्चे, तीनों यही लिखे जाएंगे क्योंकि ये खर्चे तीनों सहन किसने करने हैं? कंसाइनर ने करने हैं। अच्छा जी, तो जो दूसरा खर्चा है E2 वो किसने किया? दूसरा खर्चा किसने किया? वो खर्चा किया कंसाइनी ने, कंसाइनी का नाम क्या है? बी। तो यहां लिखा जाएगा टू बी, क्या आएगा? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आपको लिखने की नीड नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एक्सपेंसेस मेड बाय कंसाइनी बेटा कितना था देख के बताओ? 400 और 300। मैं तो कहूंगा कि E2 और E3 दोनों खर्चे कंसाइनी ने किए हैं, तो हम कंसाइनी का नाम यहां पर लिखेंगे। और देखें क्या क्या लॉस हुआ। अगर मैं एग्जांपल देखता हूं तो मुझे लॉस के नाम पर एक चीज और दिखाई दे रही है जो कंसाइनर का लॉस है, कि वो कंसाइनी को कमीशन देगा 5%। अगर कुछ ना लिखा हो तो किसका होता है? 5% ऑन सेल्स का होता है बेटा। सेल कितने की हुई? 60,000 की हुई। फिर दोबारा लिखा जाएगा बी और ब्रैकेट में लिखा जाएगा कमीशन। यहां पर आप कमीशन निकाल कर दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे शो कर सकते हैं 5% ऑफ 60,000, इट विल कम 3,000। ठीक है, क्लियर है आपको? बात समझ में आ रही है। हाँ जी, इस एग्जाम्पल में मेरी नज़र में कुछ और नहीं आएगा क्योंकि कोई और नुकसान कंसाइनर को नहीं होता दिख रहा है, लेकिन कंसाइनर के लिए कंसाइनी ने गुड्स जरूर बेचा है, एक इनकम जरूर दिखाई दे रही है कि उसने सारा गुड्स बेच दिया 60,000 रुपये में।
गुड्स किसने बेचा? बी ने। किसके लिए बेचा? ए के लिए बेचा। गुड्स के पैसे किसके पास हैं? फिलहाल बी के पास हैं, ठीक है। तो जो 60,000 रुपए की बिक्री हुई वो बिक्री हुई ए की, लेकिन पैसा किसके पास है? बी के पास। तो हम बी के नाम चढ़ा देंगे पैसा, बाय बी सेल्स इट वुड बी 60,000। टोटल करते हैं, इधर का टोटल है बेटा 60,000, वही ज्यादा आ रहा है, उसे मैंने दोनों तरफ लिख दिया। इधर का टोटल करते हैं 54,700, तो 6, तो प्रॉफिट आएगा 5,300। माइनस करके देख लीजिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको बोला जाएगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। आपको मोटे मोटे तौर पर एक बात समझ में आई होगी कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया है। कोई भी प्रॉब्लम हो बता सकते हैं, इसी लेक्चर में या अगले लेक्चर में आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। तो ये आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया था। और सर ये E2 E3 अलग क्यों बताए? बेटा आगे काम आएगा, इसका आगे काम आएगा, फिलहाल मैं इतना ही समझा रहा हूँ, बेसिक आइडिया। चलो बच्चों के रिक्वेस्ट पर एक क्वेश्चन और कराते हैं। आंसर नोट करना है आपने, कर लो बेटा, सॉल्यूशन नोट करो, कोई दिक्कत आए पूछो। कर लीजिए बेटा, यस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लिखेंगे। अब की बार हम सारा गुड्स नहीं बेचेंगे, एग्जांपल टू लिखते हैं बेटा। ए ऑफ मुंबई कंसाइंड गुड्स ऑफ रुपीज 40,000 टू के ऑफ कानपुर। Expenses by A rupees 3,000. Expenses by B on bringing the goods to godown rupees 2,000 and on selling rupees 1,500. Three fourth goods were sold. सारा गुड्स ने बिका इस बार, 3/4, 75% गुड्स बिका अब की बार,
3/4 गुड्स वर सोल्ड फोर रुपीज 55,000। कमीशन 5%। प्रिपेयर कंसाइनमेंट प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। चलो जी बेटा सॉल्व करते हैं इसको। कंसाइनमेंट टू कानपुर अकाउंट, सबसे पहले बच्चों क्या लिखोगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फोर्टी थाउजेंड। जितना खर्चा ए ने किया उसके लिए लिखा जाएगा टू बैंक 3,000। जितना खर्चा के ने किया, के हमारा एजेंट है आपकी बार, उसके लिए हम लिखेंगे टू के। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो ई टू और ई थ्री है आप अलग अलग दिखाएं उनको। ई टू मेंशन करना जरूरी नहीं है, आपकी जानकारी के लिए, आपको समझ में आ जाए बाद में, रिकॉल हो जाए, इसके लिए लिख रहा हूं बेटा। E2 का मतलब है गोडाउन तक लाने का खर्चा जो एजेंट ने किया वो किया 2000 रुपए का बेटा। E3 भी के ने किया लेकिन वो सेलिंग एक्सपेंस है, वो है 1500 बेटा। के को कमीशन भी मिलेगा, 2K कमीशन, कमीशन इज 5% बेटा, 5% ऑफ जो टोटल सेल हुई है 55,000, इट वुड बी 2750। ठीक है, जो टोटल गुड्स बिका है बेटा वो पैसा है के पास, तो हम के लिख देंगे बाय के और सेल हुई है 55,000 की, 55,000 की। इस क्वेश्चन में एक कमाल की बात और है बेटा, एक नई चीज आ गई इसके अंदर कि गुड्स सारा नहीं बिका, कंसाइनमेंट का एक तरह देखा जाए तो इतना खर्चा हो गया कंसाइनमेंट में, मतलब ये साइड तो हो गई कि कितना पैसा हमारा लग गया, और ये साइड वो हो रही है कि हमारे पास अब क्या है, गुड्स बेचकर इतना पैसा आ गया 55,000 या उधार है जो भी है, मतलब गुड्स बिका है तो रेवेन्यू माना जाएगा, और कुछ स्टॉक भी बचा है क्योंकि 40,000 का गुड्स 40,000 का गुड्स है बेटा जो कि टोटल था, उसमें से 3/4 गुड्स बिक गया। ठीक, तो कितना गुड्स बचा हुआ है, 1/4 गुड्स बचा हुआ है बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कि कंसाइनमेंट में कितना स्टॉक पड़ा है, क्योंकि ये स्टॉक भी कंसाइनर का है, कंसाइनर जब एट द एंड ऑफ द ईयर अपने मेन अकाउंट्स बनाता है तो उसमें बताएगा कि कंसाइनमेंट में मेरा इतना स्टॉक रखा हुआ है। तो वो स्टॉक आप सोचेंगे कि सर 3/4 तो बिक गया, तो जो बचा हुआ होगा वो 1/4 होगा, 1/4 ऑफ 40,000। ठीक, ये इतना सिंपल नहीं है। कंसाइनमेंट में जब हम इन्वेंट्री निकालते हैं, स्टॉक निकालते हैं, स्टॉक की वैल्यूएशन निकालते हैं, तो इन बातों का खास ध्यान रखते हैं, ध्यान रखेंगे बेटा, जरा ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे, बाद में लिखेंगे। स्टॉक ऑन
कंसाइनमेंट, एक तो उसका परचेज प्राइस आता है, या मैं बोलूं जो उसकी वैल्यू दे रखी है उसे हम कॉस्ट बोल देते हैं। एक तो कॉस्ट आएगी बेटा, 40,000 का टोटल गुड्स है, जो बचा है वो उसका 1/4 है, तो वो गुड्स हो गया 10,000 का। और इसमें दो खर्चे ऐड होंगे जो गुड्स को इधर से उधर ले जाने में खर्च हुआ है, सिर्फ वो एक तो E1 ऐड होगा और एक E2 ऐड होगा, क्योंकि E1 और E2 जो दो खर्चे हुए हैं, ये दोनों खर्चे गुड्स को इधर से उधर ले जाने में हुए हैं और वो कंसाइनमेंट के हिसाब से उसकी टोटल कॉस्ट का पार्ट है। तो मैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो निकालता हूँ तो इसमें मैं उसकी टोटल कॉस्ट निकालता हूँ, कंसाइनमेंट में जो भेजा गया गुड्स है उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी जो बच गया, उसमें पुरानी कॉस्ट E1 और E2 कंसाइनर का खर्चा और कंसाइनी का वो खर्चा जो गोडाउन तक लाने में किया गया बेटा। सेलिंग एक्सपेंस की कोई लिमिट नहीं है, गोडाउन की कोई लिमिट नहीं, गोडाउन का रेंट क्या है क्या नहीं है, आने के बाद के किसी खर्चे को स्टॉक के कैलकुलेशन के लिए ऐड नहीं करते, क्योंकि वो स्टॉक की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, वो बल्कि सेलिंग का खर्चा है। गुड्स को बेचने के लिए किए गए खर्चे हैं वो E3 होते हैं, E3 को हम नहीं लेंगे। E1 और E2 दोनों खर्चे ऐसे होते हैं जो कंसाइनर से कंसाइनी के गोडाउन तक आने के लिए लाने के लिए किए गए हैं, चाहे वो कंसाइनी ने किया हो, चाहे कंसाइनर ने किया हो, चाहे दोनों ने किया हो, इसलिए मैंने E1 और E2 दोनों लेने हैं। आप मुझे बता दो, दिख भी रहा है E1 ये रहा, छोटा छोटा दिख रहा है 3000 तो ये 3000 का जो खर्चा हुआ बेटा ये तो टोटल गुड्स पे हुआ, जबकि गुड्स पूरा तो बिका नहीं है, जो बिका है वो तो 3/4 बिका है, जो बचा है वो कितना बचा है 1/4, तो इस खर्चे का भी उतना ही प्रपोर्शन यानी कि 1/4 खर्चा इस स्टॉक का पार्ट होगा। ऐड कर देते हैं 750। E2 कितना बेटा, E2 है 2000 का 1/4 बेटा 500 टोटल कर दो, इसे बोलेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 10,000 और ये हो गया 1250 11,250। जय हिंद। ये 11,250 कंसाइनमेंट का स्टॉक है, कंसाइनमेंट का स्टॉक है, इसको बेटा यहां पर लिखा जाएगा 11,250। अब आप टोटलिंग करेंगे और अपना प्रॉफिट निकालेंगे, जितना भी आ रहा होगा प्रॉफिट या लॉस, मुझे तो अभी भी ये प्रॉफिट ही दिख रहा है, तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, जो भी आएगा आप लिख देना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में आंसर मैच कर लेंगे अगर आपकी इच्छा होगी। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इससे आगे चलेंगे, टॉपिक बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, वर्किंग बढ़ेगी, कुछ नई प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन चैप्टर और इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है, बाय।